टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। आज बुलंदशहर के दौरे पर जो दो घटनाएं प्रकाश में आप लोगों के माध्यम से आई थी, उन पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है, जिसमें कि बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी जो हुई है उस पर हम लोग संज्ञान लेकर उसका मेडिकल चेकअप से लेकर उसके आगे की व्यवस्थाएँ सारी सुनिश्चित करा रहे हैं। साथ ही साथ जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो चुकी है और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में वो परिवार या वो बच्ची जो है वो इतने बुजुर्ग व्यक्ति के दबाव में आई और क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि बच्ची ने अपने घर में खुलकर इस बात का, इस घटना का जिक्र नहीं किया। आखिर बच्चे किन परिस्थितियों में इस तरह की बातें छुपाते हैं, तो इन सभी बिंदुओं को हम लोग गौर कर रहे हैं ताकि हम लोग आगे अवेयरनेस कार्यक्रम करके इन सब विषयों पर जागरूकता कर सकें। मैडम, जिस तरीके से हाथरस में घटना हुई एक दलित बेटी के साथ, लगातार अन्य और जिलों से भी जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई है कि कुछ कार्रवाई इन पर सख्ती से हो? देखिए, हाथरस वाली घटना जो है वो पूरी तरह से उसको पीपली लाइव किया जा रहा है, पीपली लाइव की तरह बनाया जा रहा है। हाथरस में जो घटना हुई है उसके संबंध में सभी की संवेदनाएँ हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, या जो हुआ अधिकारियों की जो थोड़ी सी लापरवाही रही वो भी नहीं होनी चाहिए थी, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और साथ ही साथ में इसका नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच कराई जा रही है ताकि जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो। और चूंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो जातीय दंगों को भड़काने के मकसद से उनको हवा दी जा रही है, घटनाएं जो हैं वो अन्य प्रदेशों में भी हो रही हैं, राजस्थान में भी हुई है, वहाँ की घटना का संज्ञान ना लेना या अन्य जिलों की घटनाओं का संज्ञान ना लेकर केवल हाथरस पर फोकस करना, जबकि दोषियों पर कार्रवाई हुई है और दोषियों पर लगातार कार्रवाई चल भी रही है, उसके बाद इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना मुझे लगता है दंगा भड़काने की एक साजिश है। मैडम, आज अधिकारियों से आप मिले हैं बुलंदशहर में, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए? जी, आज हम यहाँ पर सीएमओ साहब को जो प्रेग्नेंट बच्ची है उसकी स्थिति की जानकारी देकर उसके सारा वैक्सीनेशन, टीकाकरण और जो उसकी मेडिकेशन है वो पूरा कराकर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में जो है वो एक स्वस्थ बालक को जन्म दे सके। उसकी भी स्थिति जो बच्ची की है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, तो उसका भी खान पियन अच्छा रहे इस संबंध में। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो जिले में पालना गृह खुले हुए हैं उनको फंक्शनल करने के साथ साथ में जो श्रम विभाग है उसके द्वारा चलाए गए अभियान में रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा जो पूरी तरह से उस दिन पूरे दिन रहकर एक सहयोग देने की बात जो है वो की गई है। साथ ही साथ बाल श्रम पे भी अवेयरनेस जो है वो कर जो श्रमिकों को चिन्हित करके उनको योजनाओं पर लाभ दिलाने की बात हुई है। सारी बातें माँ बाप को पता थी, नहीं पता थी, अभी कंफ्यूजन उसमें है, लेकिन जो हम लोगों के सामने बात आई है वो यही आई है कि माँ बाप ने फिर जब सारी बातों का कहा तो सबसे पहले उसी व्यक्ति ने जो मीडिएटर की भूमिका में था, जो शोषण कर रहा था, उसी ने रिपोर्ट लिखाई और उसी रिपोर्ट से बचने के लिए इन लोगों ने भी फिर जो असलियत थी वो पुलिस के सामने रखी है। जब पुलिस वाले इनके पास आए जो है वो लोन लेना पड़ा, उस लोन की का समय पूरा हो गया था, उसकी किस्तें बढ़ती चली जा रही थी, तो क्या कहीं वो परिवार दबाव में था? तो उस बच्ची के साथ साथ में क्या और लोगों के साथ भी शोषण हुआ है? इस एंगल पर हम लोगों ने ध्यान दिया और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।